हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एक नई जगह घूमने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने वह जगह घूमी होगी, लेकिन हम लोगों का ये फर्स्ट टाइम है और हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके जो हमारा एक्सपीरियंस होगा, जो चीज़ें हम देखेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं। देखिए, इसमें कोई टाइल नहीं लगी हुई, इसमें भी उन लोगों ने पत्थर लगाया हुआ है और दीवारों पे मिट्टी की पुताई की हुई है। उसके अलावा ये एपर्न का पेंटिंग इसमें लगाया हुआ है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स लगाई हैं, वो है पहाड़ी छोलिया नृत्य की। हमारे ठीक सामने नदी बह रही है, बहुत ही सुंदर और साफ पानी है इसका। ये देखिए, आपको देखिए मछलियाँ नहीं है ना, इसमें मछली होनी है। अच्छा बना रहे थे। कैसा लग रहा है मिकी बर्गर? टेस्टी है।
खा लो। अब हम लोग जा रहे हैं नदी में, ईशान को नहाना है नदी में और वहाँ का पानी देखते हैं कितना ठंडा है। ये जो सामने है ये है गुलदार वैली। यहाँ पे क्या पता हमारी किस्मत अच्छी हो और हमें गुलदार दिख जाए, लेकिन तब तक हम लोग जाके नदी का पानी देखते हैं कैसे। हम अब नदी के किनारे पहुँच गए हैं। ये कितना साफ पानी है और यही ऊपर गुलदार रहते हैं और जो कभी कभी इधर पानी पीने आ जाए करते होंगे। हमें तो कुछ दिखा नहीं अभी तक, इतना साफ पानी है। इतना तो दिल्ली में नल से पानी साफ नहीं आता जितना यहाँ नदी में पानी बहता हुआ साफ है। जिद कर रहे हैं नहाने के लिए। देखो मिकी, नहाई नहीं करनी है, स्विमिंग करनी है। मिकी और ईशान दोनों ही नहाने पहुंच गए नदी में काफी दिनों। प्यारे अलग अलग कलर के पत्थर भी हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इधर यहाँ पे काफी लोग आते रहते हैं इसलिए नोटिस भी लगाया हुआ है यहाँ के कूड़ा ना फैलाए और मदिरा पान ना करें। आज पूरे दिन भर हमने काफी नई चीजें एक्सपीरियंस की, काफी नई चीजें देखी हैं। गुलदार वैली में हमें गुलदार तो दिख नहीं पाए लेकिन वहाँ जो नदी थी उसमें ईशान और मिक्की ने एक नया एक्सपीरियंस लिया। उन्होंने वहाँ पे स्विमिंग की थोड़ा बहुत और काफी इंजॉय किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। Bye, thanks for... यहाँ जो फीलिंग होती है इस आवाज़ को सुनने की वो अलग ही होती है।